नमस्कार, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आप सभी का मैं शिवाशीष बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मिशन हेल्थ एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारियों से भी रूबरू करवाता है। तो चलिए बढ़ चलते हैं आज भी एक ऐसे विषय की ओर जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और समझना उससे भी जरूरी। आज का हमारा मुख्य विषय है मधुमेह यानी डायबिटीज। जी हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर बात करें तो हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इन चुनौतियों में से डायबिटीज सबसे बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने मौजूद हो रहा है। अगर हमारे देश की बात करें तो बढ़ते मधुमेह के स्तर ने भारत को डायबिटीज का कैपिटल बनाने की ओर अग्रसर कर दिया है और इसी बात के साथ साथ ये बात बताते हुए भी बहुत ही खेद हो रही है कि डायबिटीज़ में यानी मधुमेह के चपेट में अब बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे बदलता जीवन शैली हो, सिमटते परिवार हो, या फिर खान पान में बदलती वो बात हो, या फिर यूँ कह लीजिए कि गैजेट्स के ऊपर निर्भर होती हुई जीवन शैली हो। तो ये सब भी बहुत ऐसे कारण हैं जो डायबिटीज़ को धीरे धीरे अग्रसर कर रही है। अगर आज के दौर की बात करें तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो डायबिटीज़ के बारे में ना जानता हो, लेकिन हाँ, इसके बारे में समझना और जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ आपके जीवन में दबे पांव आता है और ज़्यादातर लोगों को तब इसके बारे में पता चलता है जब वो उसकी जांच करवाते हैं। तो आइए आज इस विषय के ऊपर बात करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय लखनऊ से आए डॉक्टर एस के श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। और आप भी हमारे बात हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स अब आपके बीच मौजूद रहेंगे। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, इसी के साथ साथ 0522-2288-698। हमारा एक और नंबर है जो है 0522-4076-802 और हमारा टोल फ्री नंबर मौजूद है जो है 1800-180-5233। तो इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में जहां मधुमेह के बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर एस के श्रीवास्तव जी से। और हाँ, फ़ोन करने से पहले अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो ज़रूर कम कर लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, जब तक फ़ोन आते हैं हमारे साथियों के और बात करते हैं मधुमेह के बारे में, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये शब्द है मधुमेह, इसका क्या अर्थ होता है? मधुमेह, जिसको हमारी भाषा में डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं, सामान्य भाषा में मधुमेह या शुगर की बीमारी बोलते हैं। तो जब भी शुगर की मात्रा, शर्करा की मात्रा रक्त में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, तो उसके एक नॉर्मल वैल्यू भी होती है, तो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है तो उसके दुष्प्रभाव हमारे शरीर के हर अंग पे पड़ते हैं, तो उसी को हम मधुमेह बोलते हैं। जी, तो आइए इसी बात के साथ साथ हम और भी बातें जानेंगे। और बाराबंकी से एक फ़ोन आ चुका है हमारे पास, नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं और उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी गांव मेरा बसोली पड़ता है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे खान पान में 24 घंटा शकर, क्योंकि 24 घंटे तो चाय चलती रहती है और जो फल फूल या मीठा हुआ उसमें भी शकर होती, तो जिनको डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी है उनको कौन कौन चीज का परहेज करना चाहिए, कौन कौन से व्यायाम करना चाहिए जिससे इस बीमारी से उनको छुटकारा मिल सके और नई पीढ़ियों को कोई दिक्कत आने न पाए। बहुत सारे सवाल पूछ लिए इन्होंने। हाँ, नंद कुमार जी ने सारे सवाल पूछ दिए, इसी विषय पे हम डिस्कशन करना चाहेंगे पूरा। तो सबसे पहले तो यह नंद कुमार जी, आप या सभी लोग यह जान लें कि शुगर की बीमारी में, हमने अभी बोला कि रक्त में शर्करा की मात्रा होती है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मात्रा निर्धारित की जिसमें शुगर अगर खाली पेट 126.5 से ज़्यादा हो या खाना खाने के बाद या 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के 2 घंटे के बाद अगर मात्रा 200 mg/% से ज़्यादा रहती है, तब हम उसको निर्धारित करते हैं कि पेशेंट जो है शुगर का है। जी, तो इन्होंने जो पूछा, इन्होंने ट्रीटमेंट पूछ दिया सीधे, उसके बारे में और भी चीज़ें जाननी चाहिए हम लोगों को। ट्रीटमेंट भी शॉर्ट में बता दें कि फल जो सीजनल फल है आप सभी खा सकते हैं, व्यायाम आपको करना चाहिए डेली, हफ्ते में कम से कम 5 दिन 2-3 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए, व्यायाम जरूरी है। और हमको लो कैलोरी की डाइट खानी चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट रहता है उसमें शुगर की मात्रा खाने में रहनी चाहिए, लेकिन उसका जो फाइबर डाइट होता है, रेशे
युक्त पदार्थ ज़्यादा खाने चाहिए, रिच कैलोरी जैसे डायरेक्ट चीनी हो गया, घी हो गया, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हम उस खान पान पर भी आएंगे अभी। जी जी बिल्कुल। जैसे हमने अभी बताया आपको कि शुगर WHO के अनुसार इस लेवल तक रहना चाहिए, 126.5 से कम और 200 खाना खाने के बाद वाला। जी आइडियली इसको 110 से नीचे रहना चाहिए फास्टिंग, और 140 से नीचे रहना चाहिए PP 2 घंटे के बाद वाला। इन दोनों के बीच के जो स्टेज होती है उसको हम इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं, और जो 126 और 200 के ऊपर होता है इसको डायबिटीज़ मेलिटस करते हैं। तो डायबिटीज़ डिक्लेयर हम तभी करते हैं जब इस रेंज के ऊपर चला जाता है शर्करा का लेवल। अब आएगा कि इसका फिर लक्षण क्या है। जी, तो उसके बारे में सर हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पे एक और हमारी साथी मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। रीता जी हैं लखनऊ से। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो जी। रीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं रीता जी। मेरा सवाल ये है कि मुझे डायबिटीज है जी, और मेरा स्तर जो है कभी लो हो जाता है, कभी हाई हो जाता है, लेकिन मेरा दवाई है, इंसुलिन का डोज भी वही रहता है जी, बट कभी हाई हो जा रहा है, कभी लो हो जा रहा है, कभी उसको लेवल मेरा मतलब समान नहीं रहता है जी। तो इसके लिए मैं क्या करूं? जी रीता जी, देखिए लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, अपने लाइफ की स्टाइल को, टाइम को निर्धारित करें, व्यायाम जरूर करें, टहलें जरूर, और खाने की मात्रा और खाने का समय निर्धारित रखना चाहिए जी। उसी के साथ आप इंसुलिन ले रही हैं तो इंसुलिन की मात्रा को किसी डायबिटीज़ के चिकित्सक से रेगुलेट करवाएं। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल नहीं होगा। आपने जैसे मान लीजिए आप किसी दिन आपने इंसुलिन लिया इतना और आपने कहा कि हमारा लो हो गया, इसका मतलब कि आपने उस दिन खाना चाहे कम खाया या कुछ कार्य ज़्यादा कर दिया या हमने खाने का टाइम को बढ़ा दिया कि हमको इतने घंटे में खाना बाद में कर लिया, तो इंसुलिन लो हो जाने की संभावना है। तो ये चीज़ें आपको रेगुलेट करनी पड़ेंगी। एक्सरसाइज और खाने की टाइमिंग और हैबिट तो अपना रेगुलेट करिए, प्लस किसी डायबिटीज़ के चिकित्सक से मिल लीजिए जो कि आपके इंसुलिन को रेगुलेट कर देगा। ऐसा नहीं कंट्रोल नहीं होगा, कंट्रोल हो जाएगा। सर इंसुलिन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन जो मुख्य कारण है पहले उनके ऊपर बात कर लेते हैं कि डायबिटीज़ होता क्यों है। आप लक्षण के बारे में भी बात कर रहे थे जी, लेकिन ये होता क्यों है डायबिटीज़? डायबिटीज़ देखिए दो तरह के डायबिटीज़ होते हैं। एक बच्चों वाली, जैसे आपने अभी बताया कि बच्चों में बढ़ रहा है, बच्चों वाली डायबिटीज़ इसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं जी, जो कि अपने आप अंदर हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाए वायरल या ऑटो इम्यून डिजीज अंदर होती हैं उसके वजह से हो जाता है, और वो बच्चों को पता नहीं होता कि हम वो बहुत ज़्यादा शुगर हो जाएगा तब उनको पता चलता है, वो बेहोश होकर गिर जाते हैं या कोई और बात हो गई, एक्यूट कॉम्प्लिकेशन में आ गया तब पता चलेगा। दूसरी होती है बड़ों की, जो यूजुअली 40 साल के ऊपर होती है, वो अनुवांशिक होती है, ज़्यादातर अनुवांशिक होगी, और भारतवर्ष में साउथ ईस्ट एशिया में खास करके भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा इसलिए हो रही है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो ठीक नहीं है। हमारा खान पान देखिए फास्ट फूड की तरफ हम चले गए हैं। हम बच्चे थे तो खेलते कूदते थे, अब खेल कूद कम हो गया। आपने कहा गैजेट के ऊपर निर्भर कर गए हैं तो लोगों से हम बैठे रहे हैं। दूसरा हमारे यहाँ देखेंगे आपकी सेंट्रल ओबेसिटी, मतलब पेट का जो बीच का भाग है वो ज़्यादातर लोगों का बढ़ा रहता है इसको, हाँ भारत में ये सेंट्रल ओबेसिटी होती है, ये भी एक कारण है। तो अनुवांशिक कारण होना, व्यायाम का कम हो जाना, गैजेट का इस्तेमाल करना, हमारे खान पान का फास्ट फूड की तरफ अग्रसर हो जाना, ये चीज़ें जो है डायबिटीज़ के कारण में टाइप 2 में आती हैं, और टाइप 1 में तो वायरल इन्फेक्शन हो जाए या अनुवांशिक ऑटोइम्यून डिजीज जो आते हैं बच्चों में जी, ये उसका कारण है जी, और उसी के अनुसार उसके लक्षण आते हैं। बिल्कुल। तो डायबिटीज़ के बारे में यानी मधुमेह के बारे में आज हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, जानेंगे और भी ढेर सारी बातें, जानकारियां भी बाकी हैं और भी ढेर सारी बातें बाकी हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश, जहां पर सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं मधुमेह यानी डायबिटीज के बारे में, और इस विषय पर बात करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चिकित्सालय लखनऊ से आए डॉक्टर SK श्रीवास्तव सर। तो सर बहुत सारी बातें भी जाननी बाकी हैं, फिलहाल हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, श्री RK सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं और उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है।
मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ और कितना बोल रहा हूँ जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछें। हमारी आवाज आ रही है जी, मैं ये कह रहा था कि जब शुगर जब लेवल हाई होती है तो समझ मानिए 380 है या 400 के आसपास है। और हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल बोले बोले। और जब और कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है, इतनी हाई लेवल पे जब शुगर है और काम भी नॉर्मली कर रहे हैं जी, और हमें पता नहीं है कि शुगर इतनी ज्यादा हो गया है, मतलब इतनी शुगर हमारी हाई है जी, आप इंसुलिन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये है कि लोअर पोर्शन में पैर के घुटने से नीचे जी थोड़ा सुन्नपन मतलब महसूस हो रहा है, झिनझिनाहट होती है, थोड़ा सुन्नपन महसूस हो रहा है जी। तो इस क्या कर रहे हैं, कैसे इंडिकेशन कैसे दिया गया कि शुगर आपकी हाई है, क्या इंडिकेशन मुझे प्राप्त होगा? जी जी सिन्हा जी, तो डायबिटीज आपका कंट्रोल नहीं है, अगर 300 और 400 शुगर आपका रह रहा है इसका मतलब है कि डायबिटीज कंट्रोल नहीं है और उसके कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर रहे हैं, जो सुन्नपन लग रहा है या झुंझुनी लग रही है, तो डायबिटीज के जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं और अंगों पे, गुर्दे पे, तो आप नर्व पे, तो आपको ये न्यूरोपैथी डेवलप कर रही है, इसके लिए आपको डायबिटीज कंट्रोल करना होगा, खान पान कंट्रोल करना होगा, कुछ टहलना होगा और वही किसी चिकित्सक के, डायबिटीज के चिकित्सक को दिखाना होगा, इसको दिखा के उसको कंट्रोल कराइए, नहीं आगे चल के दिक्कत करेगी। जैसे अब सुन्नपन होगा तो आपको अगर नहीं पता चल रहा होगा और आप कहीं पैदल चल रहे हैं, कुछ चुभ गया पैर में जी, तो घाव कर देगा, गैंग्रीन डेवलप कर सकता है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। इसीलिए हम लोग डायबिटीज़ में बताते हैं ट्रीटमेंट में कि आप जूता पहन के चलिए और पैरों का टेस्ट करिए, डायबिटीज़ में फूट केयर बहुत जरूरी होता है, पैरों केयर बहुत ही आवश्यक है, तो आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपका डायबिटीज़ कंट्रोल करना अति आवश्यक है, आप किसी चिकित्सक से मिल लें डायबिटीज़ के, वो कंट्रोल हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, इंसुलिन देना पड़े तो इंसुलिन ले लीजिएगा जी। तो ज़रूर ध्यान रखें इन सब बातों का कि अपने चिकित्सक से जाके ज़रूर मिले, उनकी सलाह पर ही फिर अपने आप आगे बढ़ के उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ से छुटकारा नहीं, उसको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। तो अगला फ़ोन कॉल हमारे साथ मौजूद है, निखिल जुड़ गए हमारे साथ आगरा से, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। अगर किसी को डायबिटीज हो तो कैसे पहचाने? अगर डायबिटीज हो तो कैसे पहचाने, चलिए बहुत ही सिंपल सा लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये डायबिटीज का लक्षण क्या होता है, ये इन्होंने पूछ दिया जिसपे हम लोग आने ही वाले थे जी। तो डायबिटीज के लक्षण में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको ज्यादा प्यास लगती है, ज्यादा पेशाब होती है, भूख ज्यादा लगती है और उसके अपने कॉम्प्लिकेशन, जैसे अभी सिन्हा साहब ने पूछा कि हमको झुंझुनी हो रही है, अगर कई वर्षों तक 5 वर्षों से ज्यादा डायबिटीज है और स्लोली ये डेवलप करती है, आपको पता नहीं चला, कमजोरी लग रही है, भूख लग रही है, तो और पैर में झुंझुनी हो जाए या आंखों का चश्मा जल्दी जल्दी बदलने लगे जी, सांस फूलने लगे, ये सारी चीज़ें अगर होने लगे तो आप अपने चिकित्सक को दिखाइए या डायबिटीज़ की जांच करा लीजिए। और अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, माँ बाप भाई बहन किसी को है, तो आपको वैसे भी 40 साल के बाद अपना रेगुलर चेकअप कराना पड़ेगा, जिससे कि आपको अर्ली डिटेक्शन हो जाए, अर्ली पता चल जाए, संभावनाएं होती हैं। हाँ, संभावना अनुवांशिक होता है, जो एडल्ट टाइप की डायबिटीज होती हैं उसमें अनुवांशिक गुण रहता है, तो आपको अगर कराने से जल्दी पता चल जाएगा जी, तो अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा इसका, यही इसके लक्षण। एक और बात है, क्या रक्तचाप पर कोई असर है, पड़ता है? हाँ, डायबिटीज के मरीजों को प्रायः देखा गया है कि रक्तचाप थोड़ा बढ़ जाता है जी, उसके अपने कारण हैं, चूंकि डायबिटीज में जो लिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी भी मात्रा बढ़ती है थोड़ा सा, तो वो अंदर डिपॉजिट करता है खून की नलियों में, तो उसे रक्तचाप बढ़ जाता है, लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये कुछ लोगों को डायबिटीज की वजह से रक्तचाप बढ़ जाता है, या जैसे डायबिटीज के मरीजों को हार्ट अटैक या ये ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है उसमें, तो हार्ट अटैक बढ़ जाता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन की बात हम लोग करते हैं कि डायबिटीज अगर कंट्रोल नहीं है तो शरीर के हर अंगों पर उसका प्रभाव है, थोड़ा थोड़ा प्रभाव जी, मस्तिष्क पे, हृदय पे, फेफड़े पे, आंत पे, किडनी पे, आपने सुना होगा डायबिटिक किडनी हो गई, या अभी न्यूरोपैथी, ठीक, सुन्न हो जाए पैर जी, तो हर अंग पे डायबिटीज का दुष्प्रभाव है, इसके लिए आपको डायबिटीज कंट्रोल करना आवश्यक है। तो बहुत ही सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। और इसके साथ ही साथ श्याम प्रसाद जी हैं हरियाणा से हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, तो आइए उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो बात, हाँ जी बात करवा जी, हेलो हाँ जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं श्याम प्रसाद जी, आप आ चुके हैं हमारे कार्यक्रम में। हाँ ठीक है, पूछूंगा तो सही, लेकिन आप ठीक है,
हेलो जी, हेलो बताइए डॉक्टर साहब, यहाँ बैठे हैं आप, अपना सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा सर जी, हेलो, फोन किसी कारण, बोलिए श्याम प्रसाद जी, मिलाइए सर जी, जी जी बताइए। हेलो, हाँ जी जी, सवाल पूछिए सर। मैं पलवल से बोल रहा हूँ। हेलो जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। अच्छा ठीक है सर, मैं सवाल पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब की। हेलो, हाँ बोले, आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। हाँ सर, मैं डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहा था कि मुझे डायबिटीज नहीं है, हाँ, तो मुझे जो है रात को पेशाब, जिस टाइम भी मेरी नींद खुलती है मुझे पेशाब आता है। जी, कितना उम्र है आपका? अब ये मैं, आपकी उम्र कितनी है? हाँ जी, उम्र कितनी है आपकी, कितना एज है? उम्र मेरी 68 है जी। तो डायबिटीज अगर नहीं है और रात को पेशाब ज्यादा आ रही है, अगर वो पेशाब तेजी से लग रही कि हम तुरंत चले जाएं और आप 50 प्लस में हैं, 60 के आसपास हैं, तो ये एक लक्षण प्रोस्टेट का भी होता है ना, पुरुषार्थ की ग्रंथि जब बढ़ जाती है एक एज के बाद, उसमें भी पेशाब जल्दी जल्दी आती है और रात को ज्यादा होती है, तो उसके लिए आपको दिखा लेना चाहिए किसी चिकित्सक से। अगर डायबिटीज की जांच आप करा रखे हैं, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, एज हो गया, तो आपको प्रोस्टेट की भी जांच करानी चाहिए जी। तो बहुत ही आसान सा जांच होता है, ये सब जांचें आप जरूर करवाएं, इसीलिए आपको चिकित्सक के पास जाना बहुत जरूरी है, तो जरूर जाएं और रेगुलर चेकअप जरूर करवाते रहें। और इसी के साथ साथ हम आगे भी बहुत सारी बातें कर ही रहे हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, आपकी जिज्ञासाएं शांत भी हो रही हैं, जारी रखेंगे ये सफर, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ, जहां पर आज मुख्य विषय के रूप में हम बात कर रहे हैं मधुमेह यानी डायबिटीज़ के बारे में, और हमने बहुत सारी बातें जानी, लक्षणों के बारे में जाना, कैसे करके आप इससे बच सकते हैं, इसके बारे में भी हमने थोड़ी बातें जानी, लेकिन अब और भी बातें जाननी ज़रूरी हैं, क्या इसके इलाज हैं, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, इनके बारे में अब हम जानेंगे। डॉक्टर साहब, हमने बात करी थी कि इंसुलिन की बात एक बीच में आई थी, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इंसुलिन क्या है और इसको कब कौन सी स्थिति में लेने की जरूरत है अगर डायबिटीज़। हाँ, ये डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया जी। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट पार्ट में तीन चीज़ें आती हैं, एक डाइट, खान पान, दूसरा एक्सरसाइज और तीसरा ड्रग जी, दवा। और दवा में टैबलेट्स तमाम प्रकार के हैं और इंसुलिन। इंसुलिन हमारे शरीर में सिक्रीट होता है पैनक्रियाज ग्लैंड से जी, बीटा सेल से, और वही आपके शुगर को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में बदल करके शुगर को रक्त में नियंत्रित करता है जी। जब इसकी कमी हो जाती है या इसकी इफेक्टिविटी कम हो जाती है, तब डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है। डायबिटीज़ ड्रग से भी डाइट से भी कंट्रोल होता है, लेकिन जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, या जो टाइप वन वाले बच्चे हैं, बच्चों में सिर्फ वो डैमेज हो जाता है, पूरा पैनक्रियास का बीटा सेल डैमेज हो जाता है, तो उनको सिर्फ इंसुलिन चाहिए होती है। तो बच्चों का ट्रीटमेंट इंसुलिन है। जो गेस्ट, एक चीज़ अभी किसी ने पूछा नहीं, हम लोग बता भी नहीं पाएंगे, गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है जी, जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होती है, उनका ट्रीटमेंट इंसुलिन है जी। और अगर जो एडल्ट में होती है, कंट्रोल नहीं हुआ दवा से या डाइट एक्सरसाइज से, अनकंट्रोल डायबिटीज़ में भी हम इंसुलिन देते हैं जी। तो इंसुलिन बाहर से सप्लाई की जाए, जो हमारे बॉडी के अंदर कमी है, खुद हाँ खुद कम हो रहा है इंसुलिन, उसको बाहर से हम सप्लाई कर देते हैं। इसके बारे में आगे भी जानेंगे, और फिलहाल हमारे साथ एक और श्रोता जुड़ चुकी हैं, तो उनका भी सवाल हम देख लेते हैं। एक और हमारी दर्शक हैं, प्रीति जी मौजूद हैं रायबरेली से हमारे साथ। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार बोले सर, मैं ये जानना चाहती थी कि अक्सर लोग कहते हैं कि किसी को डायबिटीज अगर हो गया है तो उसको आजीवन दवाइयां खानी पड़ेंगी, तो सर क्या ये बात कितनी सत्य है कि क्या एक बार डायबिटीज हो जाने के बाद वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकती है, आजीवन उसको दवाइयों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा? जी प्रीति जी, अगर डायबिटीज की मात्रा नॉर्मल से थोड़ा सा ही ज्यादा है, शुगर का लेवल थोड़ा सा ही ज़्यादा है, तो वो सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से ही कंट्रोल हो जाता है, या अगर हल्की दवाइयाँ हम खाना शुरू करते हैं तो कुछ दिनों में यह भी देखा गया है कि माइल्ड डायबिटीज़ उन दवाइयों से कंट्रोल हो गया, और हम एक्सरसाइज और डाइट करते हैं तो वो दवाइयाँ विड्रॉ हो जाती हैं, हट जाती हैं जी। ऐसे बहुत केसेस में देखा गया है, लेकिन जिनके शुगर की मात्रा ज़्यादा रहती है उन्हें ताउम्र दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और खाना भी चाहिए, जैसे हम खाना खाते हैं उसको उस रूप में लेना चाहिए कि हम दवाइयाँ खाएंगे तो हमारे बाकी अंग कंट्रोल में रहेंगे, उस पर कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। तो ऐसे में हमें दवाइयाँ लेनी चाहिए, अगर ताउम्र लेनी भी हो तो हमारे हेल्थ के लिए है, उसको लेना चाहिए। और उन दवाइयों का ये जो खोज करके देखा गया है, ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं के बराबर होते हैं जी।
तो इसको लेने में कोई नुकसान नहीं है, आप उसको रेगुलर लेने में कोई दिक्कत नहीं, लेना ही चाहिए इसको। जी डॉक्टर साहब, आपने खान पान की बात कही कि ये भी एक बहुत ज़रूरी पार्ट होता है इसको कंट्रोल करने का। जी जी। तो अमूमन हम लोग फ्रूट्स की ओर, यानी कि जो खाने में हमारे फल होते हैं उनकी ओर आगे बढ़ते हैं, तो डायबिटीज़ के यानी मधुमेह के रोगियों को कौन से फल खाने चाहिए और कौन से फल नहीं खाने में कोई रोक नहीं है। देखिए किसी भी खाने में को हम बैलेंस डाइट में लेते हैं। बैलेंस डाइट मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक, प्रोटीन जी, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फैट, यही सब लेते हैं हम। तो डायबिटीज़ में क्यों नहीं, कोई कहता है या डॉक्टर कहता है कि हम कार्बोहाइड्रेट ले ही ना, ऐसा नहीं खाली प्रोटीन खाएं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि हमारे शरीर के कुछ सेल्स को, जो ब्रेन के सेल्स हैं या रक्त की कोशिकाएं हैं, इनको कार्बोहाइड्रेट ही चाहिए। तो हमको 60% कार्बोहाइड्रेट लेना है। तो उसमें हमको ये देखना होता है कि हम कौन सी कार्बोहाइड्रेट लें जो कम कैलोरी दे रहा हो, ज़्यादा कैलोरी वाला नहीं। हमने कहा ना डैश फूड, मतलब फाइबर युक्त, तो फलों में तो फाइबर होता ही है। तो जितने सीजनल फल हैं उसको लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मात्रा निर्धारित होती है। जैसे आप डायबिटीज के मरीजों को कहा जाए कि एक सेब खा लीजिए आप डेली, तो आप कोई दिक्कत नहीं, एक सेब के बराबर आप संतरा खा सकते हैं, उसके बराबर आप पपीता खा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, समस्या होगी काजू खाने में, जो रिच कैलोरी देते हैं, जहाँ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, उसमें भी अखरोट खाने में और बादाम खाने में दिक्कत नहीं है। जी, तो फलों में दिक्कत नहीं है। हम 60% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम रोटी खाएंगे, चावल में भी लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। चावल का माड़ अगर निकाल देते हैं तो चावल भी आप खा सकते हैं। आलू कम खाना चाहिए, स्टार्च ज़्यादा है उसमें। घी नहीं खाएंगे, कैलोरी ज़्यादा देता है, 1 ग्राम 9 कैलोरी देता है जी। और गेहूँ 1 ग्राम 4 कैलोरी देता है, प्रोटीन 1 ग्राम 4 कैलोरी देता है। तो हम फाइबर, रिच फाइबर डाइट, लो कैलोरी वाली डाइट खाएंगे। उसके लिए हम डाइटिशियन से मिल सकते हैं या हम खुद ही, हम चिकित्सक लोग आपको बता देंगे कि कितनी मात्रा आपको खानी है। परहेज ऐसा नहीं है पुराने ज़माने जैसा कि हम ये खाएंगे ही नहीं। हम हर चीज़ का, आप देखते होंगे चिकित्सकों को डायबिटीज़ है और वो पार्टी में जाकर थोड़ा सा मीठा भी खा लेते हैं, लेकिन वो इसको निर्धारित करते हैं कि हम इतना कार्बोहाइड्रेट अगर हमने ले लिया है तो हम फिर दूसरी चीज़ नहीं खाएंगे। तो यूजली रिच कार्बोहाइड्रेट हमें नहीं खाना है, उसके लिए डाइटिशियन से मिलिए। और मोटे तौर पर समझ लीजिए कि ज़मीन के नीचे एक सब्ज़ी, जो आलू है, क्या ना, बंडा है, ये सब चीज़ें हो गई, मिठाई, चीनी, घी, ये नहीं खाना चाहिए। चावल का माड़ मत खाइए, बाकी ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाइए, रोटी खाइए, हैं प्रोटीन खा ही रहे हैं आप जी जी, तो एक बैलेंस डाइट के रूप में सलाद खाइए, फल फल में कोई दिक्कत नहीं। तो एक बैलेंस डाइट के रूप में हम आगे बढ़ेंगे। और आज के इस खास एपिसोड में, यानी आज के मिशन हेल्थ में, हमने जाना डायबिटीज़ के बारे में, कैसे, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे इसको रोकथाम किया जा सकता है और कैसे एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हमने जान ली और अब बढ़ते हैं चलते चलते की ओर। चलते चलते हम एक सवाल आपसे पूछते हैं और उस सवाल का सही जवाब देकर आप हमारे इस कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। तो चलिए बता देते हैं कि आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है, क्या डायबिटीज़ की दवा जीवन भर लेनी पड़ती है? जी हाँ, सवाल एक बार फिर से, क्या डायबिटीज़ की दवा आपको जीवन भर लेनी पड़ती है? तो ये है आज का सवाल, और इस सवाल का सही जवाब देने के बाद ड्रॉ ऑफ लॉट्स निकाला जाएगा और कुछ श्रोताएं जो हैं, जो भाग्यशाली होंगे, उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। और जवाब देने के लिए हमारा पता अब नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी भी है जिस पे आप ईमेल कर सकते हैं, जो है missionhealth.ddupilko@gmail.com। तो इस पर आपके उत्तर का हमें रहेगा इंतज़ार। और आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए और डॉक्टर साहब बहुत सारी बातें हमसे शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।